नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वह एक ओंकार स्वरूप, वह सतनाम कर्ता पुरुष। ये जो शब्द है इन्हें ऊपर से समझोगे तो भ्रांतियां होंगी। ज्ञानियों की एक अड़चन है, इस शब्द तो उन्हें तुम्हारे ही उपयोग करने पड़ते, तुमसे बात करनी है तुम्हारी ही भाषा बोलनी पड़ेगी, और जो वो कहना चाहते हैं वो भाषा के पार है, जो वो कहना चाहते हैं वो तुम्हारी भाषा में आ नहीं सकता, तुम्हारी भाषा बहुत संकीर्ण, वो बहुत विराट, जैसे कोई अपने घर में पूरे आकाश को समा लेना चाहे, जैसे कोई अपनी मुट्ठी में सारे प्रकाश को बांध लेना चाहे, ऐसी असमर्थता है। जैसे जैसे नानक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अड़चन शुरू होगी। जो उन्होंने पहला शब्द बोला है समाधि के बाद वो है एक ओंकार सतनाम। सच तो यह है कि पूरा सिख धर्म इन तीन शब्दों में समाप्त हो जाता है। इसके आगे तो तुम्हें समझाने की कोशिश, अन्यथा बात पूरी हो गई, तुम नहीं समझोगे, इससे आगे फिर विस्तार करना पड़ता है। विस्तार तुम्हारे कारण, अंतम मंत्र तो पूरा हो गया, बात तो पूरी हो गई, एक ओंकार सतनाम सब कह दिया, लेकिन तुम्हारे लिए तो अभी कुछ भी नहीं कहा गया। इन तीन शब्दों से क्या हल होगा? कुछ हल नहीं होता। तब तुम्हारी भाषा की शुरुआत होती है। कर्ता पुरुष वह बनाने वाला है, लेकिन ध्यान रखना जो उसने बनाया है वो उससे अलग नहीं है। बनाने वाला बनाई हुई सृष्टि में छिपा है, कर्ता कृत्य में छिपा है, सृष्टा सृष्टि में लीन है। इसलिए नानक ने ग्रस्त को और सन्यासी को अलग नहीं किया, क्योंकि अगर कर्ता परमेश्वर अलग है सृष्टि से तो फिर तुम्हें सृष्टि के काम धंधे से अलग हो जाना चाहिए। जब तुम्हें कर्ता पुरुष को खोजना है तो कृत्य से दूर हो जाना चाहिए, कर्म से दूर हो जाना चाहिए, फिर बाजार है, दुकान है, काम धंधा है, उससे अलग हो जाना चाहिए। नानक आखिर तक अलग नहीं हुए, यात्राओं पर जाते थे और जब भी वापिस लौटते तो फिर अपनी खेती बाड़ी में लग जाते, फिर उठा लेते हाल बखर पूरे जीवन। जब भी वापस लौटते घर तब अपना काम धाम शुरू कर देते। जिस गांव में वो आखिर में बस गए थे उस गांव का नाम उन्होंने करतारपुर रख लिया था, कर्ता का गांव। अगर परमात्मा करता है तुम ये मत समझना कि वो दूर हो गया है कृत्य से। एक आदमी मूर्ति बनाता है, जब मूर्ति बन जाती तो मूर्तिकार अलग हो जाता, मूर्ति अलग हो जाती है, दो हो गए। मूर्तिकार के मरने से मूर्ति नहीं मरेगी, मूर्तिकार मर जाए मूर्ति रहेगी, मूर्ति के टूटने से मूर्तिकार नहीं मरेगा, मूर्ति टूट जाए मूर्तिकार बचेगा, दोनों अलग हो गए। परमात्मा और उसकी सृष्टि में ऐसा फासला नहीं है। फिर परमात्मा उसकी सृष्टि में कैसा संबंध है? वो ऐसा है जैसे नर्तक का है, एक आदमी नाच रहा है, वो नृत्य है, लेकिन क्या तुम नृत्य को नृत्यकार को अलग कर सकोगे? नृत्यकार घर चला जाए नृत्य तुम्हारे पास छोड़ जा सकेगा? नृत्यकार मरेगा नृत्य मर जाएगा, नृत्य रुकेगा फिर वो आदमी नर्तक ना रहा, दोनों संयुक्त है। इसलिए हिंदुओं ने बड़े प्राचीन समय से परमात्मा को नर्तक की दृष्टि से देखा, नटराज। नटराज के प्रतीक में नर्तक और नृत्य अलग नहीं होते। कवि भी कविता बनाए तो कविता से अलग हो जाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाए मूर्ति से अलग हो जाता है, मां बेटे को जन्म देते ही अलग हो जाती है, पिता बेटे से अलग है, लेकिन परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं, सृष्टि में समाया हुआ है। अगर ठीक ठीक तुम्हारी भाषा का उपयोग न किया जाए तो कहना होगा द क्रिएटर इज द क्रिएशन। वो जो सृष्टा है सृष्टि है, और भी एक
नथिंग बट द क्रिएटिविटी। सृष्टा सृजन की प्रक्रिया है, वो स्वयं सृजन है। इसलिए नानक कहते हैं कुछ छोड़ के कहीं भागना नहीं, जहां तुम हो वहीं वो छिपा है। नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया है जिसमें ग्रस्त और सन्यासी एक है, और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो ग्रस्त होते हुए सन्यासी हो, सन्यासी होते हुए ग्रस्त हो। सिर के बाल बढ़ा लेने से, पगड़ी बांध लेने से कोई सिख नहीं होता। सिख होना बड़ा कठिन है, ग्रस्त होना आसान है, सन्यासी होना आसान है। छोड़ दो, भाग जाओ जंगल में। सिख होना कठिन है, क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी ग्रस्त एक साथ। रहना घर में और ऐसे रहना जैसे नहीं हो, रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय पर। करना दुकान लेकिन याद परमात्मा की रखना, गिनना रुपए नाम उसका लेना। जो बनता है और मिट जाता है वो सपना है, जो आता है और चला जाता है वो सपना है। लहरें सपना, सागर सच। अनेक लहरें हैं, एक सागर है, हमें अनेक दिखाई पड़ता है, और जब तक एक ना दिखाई पड़ जाए तब तक हम भटकते रहेंगे, क्योंकि एक ही सच है, एक ओंकार सतनाम। और नानक कहते हैं कि उस एक का जो नाम है वही ओंकार है, और सब नाम तो आदमी के दिए हैं। राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, ये नाम आदमी के दिए, ये हमने बनाए सांकेतिक, लेकिन एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, वो ओंकार है, वो ओम है। क्यों ओंकार उसका नाम है? क्योंकि जब सब शब्द खो जाते हैं और चित्त शून्य हो जाता है, और जब लहरें पीछे छूट जाती हैं और सागर में आदमी लीन हो जाता है, तब भी ओंकार की धुन सुनाई पड़ती रहती। वो हमारी की हुई धुन नहीं, वो अस्तित्व की धुन है, वो अस्तित्व की ही लय है। अस्तित्व के होने का ढंग ओंकार है, वो किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं। इसलिए ओम का कोई भी अर्थ नहीं होता, ओम कोई शब्द नहीं है, ओम ध्वनि, और ध्वनि भी अनूठी है। कोई उसका स्रोत नहीं, कोई उसे पैदा नहीं करता, अस्तित्व के होने में ही छिपी है, अस्तित्व के होने की ध्वनि। जैसे कि जल प्रपात है, तुम उसके पास बैठो तो प्रपात की एक ध्वनि, लेकिन वो ध्वनि पानी और चट्टान की टक्कर से पैदा होती। नदी के पास बैठो, कलकल का नाद होता है, लेकिन वो कलकल का नाद नदी और तट की टक्कर से होता है। हवा का झोंका निकलता है, वृक्ष से सरसराहट होती, लेकिन वो सरसराहट हवा और वृक्ष की टक्कर से होती। हम बोलते हैं, संगीतज्ञ गीत गाता है, वीणा का कोई तार छेड़ता है, लेकिन सभी चीज संघर्ष से पैदा होती। संघर्ष के लिए दो जरूरी, तार चाहिए वीणा का, हाथ चाहिए छेड़ने वाला। जितनी ध्वनियां द्वैत से पैदा होती हैं वो उसके नाम नहीं है। उसका नाम तो वही है जब सब द्वैत खो जाता है फिर भी एक ध्वनि गूंजती रहती। इस संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। विज्ञान कहता है कि सारे अस्तित्व को अगर हम तोड़ते चले जाएं और गहराई में विश्लेषण करें तो अंत में हमें विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसलिए जो आखिरी खोज है विज्ञान की वो इलेक्ट्रॉन है, विद्युत कण। सारा अस्तित्व विद्युत से बना है। अगर हम विज्ञान से पूछें कि ध्वनि किससे बनी है तो विज्ञान कहता है वो भी विद्युत से बनी है। ध्वनि भी विद्युत का एक आकार है, एक रूप है, लेकिन मूल विद्युत है। इस संबंध में समस्त ज्ञानियों का विज्ञान से सहमति है, थोड़े से भेद के साथ। वो भेद बड़ा नहीं, वो भेद भाषा का है। समस्त ज्ञानियों ने पाया कि अस्तित्व बना है ध्वनि से,
और ध्वनि का ही एक रूप विद्युत है। विज्ञान कहता है विद्युत का एक रूप ध्वनि है, और धर्म कहता है कि विद्युत ध्वनि का एक रूप है। इतना ही फासला है, मगर यह फासला ऐसा ही दिखाई पड़ता है जैसे गिलास आधा भरा हो, कोई कहे आधा भरा है, कोई कहे आधा खाली। विज्ञान की पहुंच का द्वार अलग है। विज्ञान ने पदार्थ को तोड़ तोड़ कर विद्युत को खोजा है। ज्ञानियों की पहुंच का मार्ग अलग है। उन्होंने अपने को जोड़ जोड़ कर, तोड़ कर नहीं, अपने को जोड़ जोड़ कर अखंड को पाया है, और उस अखंड में एक ध्वनि पाई है। जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है तो ओंकार की ध्वनि गूंजती है। वो अपने भीतर उसे गूंजते पाता है, अपने बाहर गूंजते पाता है, सब सारे लोग उससे व्याप्त मालूम होते। चकित हो जाता है पहली बार जब घटता है, क्योंकि वो देखता है मैं तो बोल नहीं रहा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, ये ध्वनि कहां से आ रही है। तब वो अनुभव करता है कि ये होने की ध्वनि, ये किसी टक्कर से पैदा नहीं हो रही, ये आहत ध्वनि नहीं है, अनाहत नाद है। नानक कहते हैं वही एक उसका नाम है ओंकार। नानक बहुत बार नाम शब्द का प्रयोग करेंगे, इसे स्मरण रखना कि जब भी वो कहते हैं उसका नाम, और उसका नाम ही मार्ग है, और उसके नाम की रटन में जो डूब जाएगा, उसके नाम में जो डूब जाएगा वो उसे पालेगा। तो ध्यान रखना, नाम जब भी नानक कहते हैं तब उनका इशारा ओंकार की तरफ है, क्योंकि वही एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, जो उसका ही है। हमारे दिए हुए नाम बहुत दूर न जा सकेंगे, और अगर थोड़े बहुत जाते भी हैं तो इसलिए जाते हैं कि हमारे नामों में भी उसके नाम की थोड़ी सी झलक होती। जैसे समझो कि राम, अगर कोई राम 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 की रटन लगा दे भीतर, तो उसमें ओंकार की थोड़ी सी झलक है। वो जो माँ है वो ओम का है, इसलिए राम शब्द से भी थोड़ी दूर तक जा सकेंगे हम। लेकिन अगर तुम धुन को करते ही गए तो तुम एक दिन अचानक पाओगे कि राम की ध्वनि ओंकार में बदल गई। अगर तुम करते ही जाओगे तो जैसे ही मन शांत होगा वैसे ही ओम तुम्हारे राम में प्रविष्ट हो जाएगा, और तुम धीरे धीरे पाओगे कि राम तो खो गया, ओम आ गया। समस्त ज्ञानियों का यह अनुभव है कि उन्होंने किसी भी नाम से शुरू किया हो लेकिन आखिर में ओम आ जाता है। जैसे ही तुम शांत होने लगते हो वैसे ही ओम आने लगता है। ओम सदा मौजूद है, बस तुम्हारे शांत होने की जरूरत है। नानक कहते हैं एक ओंकार सत नाम। सत शब्द भी समझ लेने जैसा है। संस्कृत में दो शब्द हैं, एक सत और एक सत्य। सत्य का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, और सत्य का अर्थ होता है ट्रुथ। दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों का मूल धातु तो एक है, सच, सत्य, सत, सब की मूल धातु एक है, लेकिन थोड़े से फर्क हैं, वो समझ लेने जरूरी है। सत्य तो दार्शनिक की खोज है, वो खोजता है कि सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। जैसे दो दो मिलके चार होते हैं, ये सत्य है, कि दो दो मिलके पांच नहीं होते, दो दो मिलके तीन नहीं होते, दो दो मिलके चार होते, ये गणित का सूत्र सत्य है, लेकिन सत नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य का ही हिसाब है। दिस इज ट्रू बट नॉट एग्जिस्टेंशियल। दो दो मिलके चार होते हैं ये मनुष्य की ही इजाद है, ये सत्य तो है, सच नहीं है, सत नहीं है। तुम सपना देखते हो रात, सपना सत्य तो है, सत्य नहीं है। सपना है तो नहीं तो देखोगे कैसे। होना तो है लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि सत्य है, क्योंकि सुबह तुम पाते हो कि ना होने के बराबर है। लेकिन हुआ जरूर, सपना घटा। तो दुनिया में ऐसी घटनाएं हैं जो सत्य हैं और सत्य नहीं, और ऐसी भी घटनाएं हैं जो सत्य हैं लेकिन सत्य नहीं। गणित सत्य है, सत्य नहीं।
गणित का एक निष्कर्ष सत्य हो सकता है, सत नहीं, सपना है, सपना सत है, सत्य नहीं। परमात्मा दोनों है, सत भी सत्य भी। और इसलिए ना तो उसे गणित से पाया जा सकता, विज्ञान से उसे नहीं पाया जा सकता, क्योंकि विज्ञान खोजता है सत्य को, और ना उसे काव्य, कला, आर्ट से पाया जा सकता, क्योंकि कला खोजती है सत को। परमात्मा दोनों है, सत धन सत्य। इसलिए ना तो कला उसे पूरा खोज सकती है और ना विज्ञान, दोनों अधूरे हैं, और इसलिए धर्म की खोज दोनों से पृथक है। धर्म उसकी तलाश है जो दोनों है एक साथ है, जो इतना सत्य है जितना कि गणित का कोई भी फॉर्मूला, और जो इतना सत्य है जितनी काव्य की कोई भी धारणा। वो दोनों है और दोनों नहीं है। अगर तुम आधे से देखोगे तो चूक जाओगे, अगर तुम दोनों को मिलाकर देखोगे तो ही उसे पा सकोगे। तो जब नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, तो इस सत्य में दोनों है, सत्य और सत। उस परम अस्तित्व का नाम जो गणित की तरह सच है और जो काव्य की तरह भी सत्य है, जो स्वप्न की तरह मधुर और गणित की तरह ठीक ठीक सही है, जो हृदय की भावना की तरह भी है और मस्तिष्क की प्रतीति की भांति भी है, जहां मस्तिष्क और हृदय मिलते हैं वहीं धर्म शुरू होता है।